भाई यार क्या लोग हैं यार इधर के, वहाँ कसम ऐसे गाड़ी चलाते हैं, मतलब उनको रूल का किताब कभी किसी ने हाथ में दिया ही नहीं है। खाली भिंडी गाड़ी थमा दी बाप ने हाथ में और बोला बेटा जा और चला। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सागर। गुड मॉर्निंग गाइस, रात को कुछ अराउंड 6 बजे यहाँ पे हम लोग आए थे और उसके बाद वीडियो एडिटिंग किया, उसको रेंडर करके डाल भी दिया है। सो 26 को शाम को 7:30 बजे जो आपने वीडियो देखा रहेगा हमारे फर्स्ट, तो वो अभी यहीं पे एडिट किया। एक्चुअली जो सेकंड डे का वीडियो था वो नहीं बना पाया और सूरज काफ़ी लग रहा है। सो गाइस, आज का जो प्लान है वो है टिल गोरखपुर और उसके लिए अराउंड 788 किलोमीटर का कुछ डिस्टेंस है जो कि हमें कवर करना है अराउंड 14 आवर्स में। लेट्स सी। सो अभी जो है वो राहुल अच्छे से कोप अप कर पा रहा है पूरी टीम के साथ, मतलब मेरे और अमित भाई के साथ। सो दोस्तों अभी अराउंड 7 बज रहे हैं, हम लोग पूरी तरह से रेडी हैं, अमित भाई जस्ट रेडी हो रहे हैं अंदर। तो यहाँ से निकलते हैं 7 के टाइम पे और फिर नॉन स्टॉप करते हैं एटलीस्ट 11-12 तक। ठीक है, लेट्स गो फॉर दिस, क्योंकि यार बहुत दूर जाना है और मेरे को यूपी बिहार के जो रोड है वहाँ पे रात में नहीं चलाना है। तो गाइस ये था हमारा होटल, होटल रॉयल पैलेस, काफ़ी बड़ा होटल है एंड रूम बहुत अच्छा था, खाना थोड़ा ठीक नहीं था, बाकी पार्किंग भी सही है, एमिनिटीज सही है। ठीक है, इस गाड़ी को पूरी तरह से लोड कर दिया है और ये है अमित। अभी भाई आपका यूट्यूब अभी जो स्टार्ट किया है उसके बारे में बताइए ना। हाँ, ये अमित राव करके है, ज़्यादा दोस्त नहीं है, 107 लोग अभी चालू लग रहे हैं धीरे भाई। अमित भाई अपनी राइडी इतनी बड़ी है। हाँ, बट अभी पहला वीडियो आज रात को आने वाला है, दैट इज ऑन 26th of November। आज क्या है, 26th है ना। हाँ, तो आज पहला वीडियो आने वाला है, देखते हैं आगे कैसा जाता है, बट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। For me, this now like more than YouTube is like this trip is really excited for me. And I'm really, you know, like gonna enjoy the roads and all that kind of journey I'm gonna be. So first time I'm doing 45 days ka ride, so mere liye bahut important ride hone wala hai ye. So I'm really excited. Aur Rahul. Rahul sir. पहली बात तो मुझे सर मत बोलो, सबसे कम एज मेरा ही है। तो राइड तो ठीक है, आज ठंडी इतनी ज़्यादा है ना कि मेरे को आखिर में ये जैकेट निकालना पड़ा। ठंड है, मैं यहाँ पे टी शर्ट में घूम रहा हूँ, ठंड है, अच्छी वजह धूप निकली हुई है, ये इन दोनों का झगड़ा चालू ही रहता है। सो अभी जस्ट यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं निकलते हैं, क्योंकि यार आज का डेस्टिनेशन काफ़ी लंबा है और इधर ही 8 बज गए। एंड यस, वन मोर थिंग गाइज, यार चेन लूप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यार अपने लिए, और देखो ये मैंने अगेन चेन लूप कर दिया और अभी ये जो चेन लूप है ना गाइज, ये 700+ किलोमीटर के लिए रह जाता है मेरे टायर के ऊपर, मतलब मेरे चेन के ऊपर, मेरे को अगेन ज़रूरत नहीं पड़ती है कभी भी चेन लूप लगाने की। तो ये जो चेन लूप है ये है दिस वन, दिस इज़ द ग्लॉसिल चेन लूप। तो पहले आपको चेन क्लीनर लगाना है, चेन को साफ़ करना है एंड देन उसके बाद आपको चेन स्प्रे करना है, तो लूप हो जाएगा पूरी तरह से और फिर आप गुड टू गो। तो यार ये देख लो, एक नंबर है, मतलब जो कंपनी में फ़िलहाल जो ब्रांडेड है ना यार, कि मोटुल 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 सब जन यूज़ करते हैं, तो उससे तो काफ़ी अच्छा है। मैंने पहले यूज़ कर लिया 2 दिन एंड देन उसके बाद अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस फाइनली ब्रेकफास्ट के इधर आ गए, बहुत दूर था ना राहुल। चल बैठ जा और अभी देखते क्या क्या है। तो फिलहाल ये है पोहा, देन वेज सैंडविच, तो दिस इज़ द वेज सैंडविच और कॉर्नफ्लैक्स और भी कुछ लग रहा है, राइट। ठीक है, फाइनली 8:30 को हम लोग निकल रहे हैं, 8:40 हो गया है, बट ठीक है यार, चलो होप्स हो यार आज गोरखपुर पहुंच जाए। एक्चुअली सिंगल लेन है इसलिए नहीं, तो 688 किलोमीटर इज क्वाइट, मतलब कर सकते हैं हम लोग। निकल पड़े हम लोग यार अपने डेस्टिनेशन के ऊपर, किलोमीटर है 668 एंड जो रोड है वो ऐसे रहने वाला है, सिंगल लेन रोड, बस अभी एक हो जाएगी यार, ज़्यादा जो ट्रैफिक है ना वो नहीं लगे और रोड ऐसे ही रहे, ज़्यादा ख़राब नहीं रहे, तो एक नंबर हो जाएगा। अभी ये जो है ये फतेहपुर वाला रोड है, ये वाला रोड अच्छा है ऐसा बताया गया है, तो देखते हैं अभी। और जो वेदर है ना यार, बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है यार, सच में विंटर में इसीलिए राइड करना चाहिए, क्योंकि अभी हो रहा है ऑलमोस्ट 9:00 एंड स्टिल जो सुबह 7 बजे वाली ठंडी रहती है ना वही लग रही है। वाव, बहुत बढ़िया।
दोस्तों जो रोड है यार एक नंबर रोड है, बहुत सही है। एंड अगेन सम कॉर्नर्स भी है रोड के ऊपर, तो एंजॉय कर करके चल रहे हैं। अगर 688 किलोमीटर सच में अगर ऐसा रोड रहा बिना कोई खड्डे खुड्डे का, तो यार बहुत जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर हो जाएगा, क्योंकि अभी गूगल के हिसाब से हम लोग अराउंड 12 बजे पहुंचेंगे गोरखपुर, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे नाइट में गाड़ी नहीं चलाना है। लेट्स सी अभी क्या होता है। ये क्या है, छतरपुर, छतरपुर, माँ कसम छतरपुर नाम था भाई। राहुल लग गए भाई, क्या लोग थे माँ कसम। मतलब सिटी के अंदर से हमको जाना था एंड देन राइट लेना था ये रोड के लिए। अरे यार हर कोई मेरे पैनियर में घुस रहा है आजू बाजू से। अरे मेरा साला, मेरे को लगा अभी एक दो को पैनियर पे बिठा के ही लेके जाऊं। सो गाइस दिस इज द यूपी चौकी, मतलब पुलिस चेक जो रहता है हर एक स्टेट का अपना अपना। तो आई गेस कि अभी हम लोग जो यूपी का बॉर्डर है उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक है और हम लोग थोड़ी देर में यूपी में एंटर कर लेंगे। अभी बज रहे फिलहाल 12 एंड उसमें हमने अराउंड 197 किलोमीटर कवर कर लिया है, तो काफ़ी डिसेंट। मतलब कि एक 4 घंटे 3 घंटे में, मतलब 9 बजे से लेके 12 बजे तक हमने जो डिस्टेंस कवर किया है वो काफ़ी बढ़िया। गाइस हाईवे के ऊपर खड़ा हूँ यार, रोड अभी थोड़ा ख़राब हो गया है, बांदा कुछ है आगे एक 30-40 किलोमीटर्स के ऊपर। एंड जो अपना मेन डेस्टिनेशन है मतलब गोरखपुर, वो अभी और 410 किलोमीटर्स है, तो यार लगने वाली है। 1 बज गया है, गूगल के हिसाब से हम लोग 10 बजे पहुँचेंगे। लेट्स सी यार कितने बजे पहुँचते हैं एंड आप देखते रहो। आई होप कि ये व्यू आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि यार मैं एक्चुअली कुछ ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है ना, तो कंटिन्यूसली इंटरकॉम में मैं और राहुल बात कर रहा है और कैसे तो करके डिस्टेंस कवर करने की कोशिश चल रही है। लेट्स सी। सो गाइस खराब वाला जो रोड है वो चालू हो गया है एंड ये कुछ बांदा करके गांव है उसके पहले ये शुरू हो गया है। और भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है अभी, क्योंकि ये जो ट्रक वाले हैं ना ये राइट से भी आ रहे हैं, ये लेफ्ट से भी आ रहे हैं और ये पीछे से भी आ रहे हैं। मतलब कुछ समझ में नहीं जा रहा है अभी, देखो आप क्या करके जा रहे हैं, और इसमें हमको पीछे कुछ दिखता ही नहीं है, तो ये बहुत डिफिकल्ट है यार। भाई यार क्या लोग हैं यार इधर के, वहाँ कसम ऐसे गाड़ी चलाते हैं, मतलब उनको रूल का किताब कभी किसी ने हाथ में दिया ही नहीं है, खाली भिंडी गाड़ी थमा दी बाप ने हाथ में और बोला बेटा जा और चला। पिछड़ा जो रहता है ना इलाका, उससे भी मतलब गए गुजरे लोग हैं, तो कभी कुछ पता ही नहीं है, शायद कभी किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं है कि भाई राइट से चलना रहता है, लेफ्ट से चलना रहता है, या ऐसा कुछ इंडिकेटर ये वो कभी किसी ने कुछ बताया ही नहीं है, खाली डाल रहे बस। अरे वो एक लड़का था इधर राहुल बाजू में मेरे राइट में, अरे चूतिया गाड़ी देखते देखते पैनियर में घुस रहा है एड़ा साला, बोला अभी इसको क्या बिठा के लेके जाऊं मैं, साला पागल लोग है। अरे नहीं आराम से चलाएंगे भाई, लेकिन कब आराम से चलाएंगे, जब भी सब अच्छे से भाई इधर हर कोई साला गाड़ी के ऊपर ही आ रहा है चढ़ाई जा रहा है, क्या आराम से चलाएंगे यार। अभी हाईवे लगेगा अला, ये सब लोगों से छुटकारा मिलेगा यार, महाराज कसम क्या पूरा मूड खराब कर दिया। और स्पेशली जब से यूपी में घुसे है ना, मतलब एमपी तो भी ठीक है ना यार, हाँ मतलब ठीक है कि मतलब भगा भी रहे थे, लोग भी ठीक ठाक थे, लेकिन इधर यूपी में मतलब हर कोई अपने आप को भैया समझता है, मैं इधर का बहुत बड़ा डॉन है। एनीवेज अभी जो भी है चलो क्या करें यार, अभी जाना है अपने को इतना अच्छी जगह, तो यू नो उसके पहले का स्ट्रगल यूपी, अभी तो बिहार बाकी है राहुल। हाँ बस भगवान बचा लेना है यार। अबे यमुना 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 नदी है भाई, यमुना दिस इज यमुना, ओ वाव यमुना रिवर एक नंबर। अरे क्या बढ़िया है यार। अरे यार अपना जो ये है ना क्या कलवा का जो खाड़ी है उससे भी बड़ा है भाई, वाह कसम क्या बड़ी रिवर है यार।
अरे यार अभी निकलो यार यहाँ से, बहुत हो गया यार सिंगल लेन रोड। अरे आना यार, आई होप कि यार फतेहपुर के आगे यार सिंगल लेन रोड नहीं हो। यार सिंगल लेन से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यार जिस ये देख चूतिया साला, एक नंबर के पागल लोग है साले सबके सब। साला मतलब किसी को कुछ, अरे फिर एक टपली में डेला का था होगा, देखा जाएगा एक एक को पीलेंगे। अरे फिर नहीं तो क्या, भगवान ये है हालत। जो चाय पीने रुके थे, एक्चुअली सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। अच्छा अमित भाई उनसे बात कर रहे हैं, सो दैट साला मेरे को अपना टाइम मिल गया रिलैक्स करने का। ठीक है चल, अमित पहले पेट्रोल भराना है। चल। तो दोस्तों अभी फाइनली अमित भाई ने गुड न्यूज दी है, 8 किलोमीटर बाद NH हाईवे लगने वाला है। NH क्या है अमित? MH 27 के लिए अमित भाई बोल रहे हैं अपने को। तो यार दिन भर में पहली बार शायद से NH देखेंगे हम लोग अपने मैप के स्क्रीन के ऊपर। हे भगवान, अच्छा हो गया यार अंधेरा पूरा होने से पहले तूने हमको बचा लिया। गाइस फाइनली वी आर ऑन NH 27 डबल लेन रोड। रोड के जो बाजू में वो रेडियम की पट्टी है, येलो पट्टी है, रेड पट्टी है, क्या है, मजा आ रहा है यार फाइनली। अमित भाई यार सीरियसली मतलब सुबह से सिंगल वहाँ की दही हो गई थी, और अभी तो भाई फुल ऑन भगाना है, खाली भगाना है बस। या ऑब्वियसली मतलब हम लोग सुबह 9 बजे से निकले हैं और अभी शाम के 6 बज रहे हैं भाई 6। हाँ लेट्स होप कि अभी पूरा हमारे कोई भी तकलीफ नहीं आए, नॉन स्टॉप यही रोड के ऊपर गाड़ी चलाने को मिले, आराम से चल रहा हूँ हाथ भी छोड़ के। एक भाई पता है जो राइट हैंड का उंगली रहता है ना ब्रेक का, दो उंगली से मैं ब्रेक दबाता है भाई, ब्रेक दबा दबा के और लोगों को गाली दे दे के यार उंगलियाँ दर्द करने लगी, मुँह दर्द करने लगा। और अभी फाइनली मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। मेरे सामने में गाड़ी पकड़ा है अभी, ये टोयोटा का नया है ना इनोवा क्रिस्टा, तो उसको पकड़ा है अभी, बस लोबिन पे डाला है मेरा लाइट और उसको फॉलो करूंगा। क्योंकि क्या इधर रास्ते में भैंस भीस बैठी हुई रहती है, लोग कभी भी क्रॉस करते हैं, तो कैसे सेफ्टी के लिए ये आगे मेरे चलते रहेगा एज अ कॉन्वॉय, और मैं उसके पीछे 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 उसको फॉलो करेगा। सो दिस इज द बेस्ट टेक्निक जो कि मैं इतने सालों में लर्न किया है मैंने। कोई भी एक फोर व्हीलर वाला कोई ना कोई तो आपको ऑब्वियसली हाईवे से ओवरटेक करके जाएगा, एंड देन उसके पीछे आप आराम से गाड़ी चला सकते हो। बस इतना ध्यान रखना कि यार अपना लाइट लो बीम में रखे, सो दैट उसको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। एंड क्या देयर यू गो, नाइट राइड इज नॉट दैट डिफिकल्ट अगर थोड़ा सा दिमाग लगा ले तो। यहाँ से सीधा ये होटल है क्या? होटल किधर है?